जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ कौन है आप देख सकते हो, शायद आप पहचानते हो इनको, पीयूष भाई। हेलो, पीयूष पटेल। मैंने ऐसा इसके लिए कहा कि पीयूष भाई के साथ मैंने कई सारे जो है ना वीडियोस आपके साथ शेयर किए। प्राइम बिल्डर्स, प्राइम डेवलपर्स इनका ब्रांड है और प्राइम विला नाम से एक प्रोजेक्ट इन्होंने हाल ही में आज से 1.5-2 साल पहले कंप्लीट किया था और उसके कई सारे वीडियोस आपने शेयर किए। अच्छा बुकिंग भी लिया आपने, बुकिंग अच्छा लिया था, वो कंप्लीट हो गया है और सोसाइटी फॉर्मेशन होके वो हैंडओवर भी हो चुका है। हाँ, लेकिन मैं उसका जिक्र इसके लिए कर रहा हूँ कि इतना ब्यूटीफुल बनाया था, उसकी लॉबी देखो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखो, फिनिशिंग देखो, बहुत मजा आया। इनफैक्ट जब प्रोजेक्ट ब्यूटीफुल होते हैं ना तो मुझे भी शेयर करने के लिए, शूट करने के लिए मजा आता है। खैर, ब्रांड के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इनका हाल ही में एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो रहा है, उसके ऊपर हम विजिट भी करने वाले। लेकिन मैं निकला हूँ बेलापुर से उलवे के टूवर्ड्स और आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस तरफ, सामने की तरफ जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, जो फेंसिंग दिख रहा है और जो क्रेन आपको दिख रहे हैं, वो है कंस्ट्रक्शन हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट का, जो आने वाले 2-3 साल में जो है ना कंप्लीट होने वाला है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारा नवी मुंबई सीलिंग है वो भी अपने आखिरी कगार पे, एंडिंग स्टेज पे, तो इस साल के ईयर एंड तक जो है ना वो भी वर्किंग होने वाला है। तो ये दो चीजों की वजह से, खैर एयरपोर्ट का तो मुझे लगता है थोड़ा लेट है, पर सीलिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना तो डेफिनेटली उलवे का जो लोकेशन है ना वहाँ पे अच्छा एप्रिसिएशन लोगों को मिलने वाला है, मिल सकता है। रीजन ये है कि आज की तारीख में उलवे अगर मुंबई से आना है लोगों को तो लग जाते हैं लगभग 1.5-2 घंटे। यही एक्सपीरियंस लोगों का चेंज होने वाला है, वो आने वाला है सिर्फ 30 मिनट्स में। शिवडी से जो है ना डायरेक्ट आप सीलिंग पकड़ के उलवे में पहला एग्जिट ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 25-30 मिनट में। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सीलिंग स्टार्ट होगा तब जो है ना अच्छा एप्रिसिएशन उलवे में हो सकता है। और इसी रीजन से आज फिर से पीयूष भाई के साथ मेरा डिस्कस हो रहा था और उन्होंने बोला कि एक प्रोजेक्ट हमारा भी कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने बोला चलो विजिट करते प्राइम गिरिजा होम्स। ठीक है, तो डिटेल्स जो है प्राइम गिरिजा होम्स की सारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम पहुंच चुके उलवे के पास में। ये देख सकते हो जैसे जैसे हम आगे की तरफ आते हैं तो एक जो फ्लाईओवर लगता है वो फ्लाईओवर हमें लेना नहीं होता है, फ्लाईओवर के लेफ्ट साइड से गाड़ी आगे लेनी होती है और फ्लाईओवर के बीचों बीच आने के बाद हमें मिल जाता है उलवे में जाने के लिए राइट। और राइट जाते ही हम जाएंगे सेक्टर 25 है, सेक्टर 25 में ही है ना, 25A है, सेक्टर 25A। इनफैक्ट 25A में जाने के लिए यही रूट अगर आगे और जाएंगे तो और एक राइट टर्न है, डायरेक्टली सेक्टर 25A में एंट्री, अभी न्यू एंट्री है वो। अच्छा समझा मैं, यही रोड आगे जाता है और वहां से एक सबवे बना हुआ है नीचे की तरफ जाने के लिए, वो डायरेक्टली 25A में जाने के लिए। ओके, तो वो अभी जो है ना उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है। यस, ठीक है, तो वहां से अभी जाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी जो हाईवे था और ब्रिज था, फ्लाईओवर था, वहां से उसके फ्लाईओवर के नीचे से राइट लिया है और उलवे जो है ना यहाँ पर हम देख सकते हैं शुरू हो चुका है और यहाँ से हम लेने वाले लेफ्ट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें और एक रोड था ना पैरेलल इसके, 33 मीटर वाइड रोड है वो एग्जैक्टली इसके पीछे है। ओके, वो मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम में वो रेडी हो जाएगा। दोस्तों ऐसा है, काफी टाइम जब लोग सेक्टर 24-25 की तरफ आते हैं तो ये वाला जो रोड है जिसपे अभी हम जा रहे हैं वही रोड यूज करते हैं, बिकॉज अभी के लिए वर्किंग ये एक ही रोड है, तो लोगों को ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े दो सेक्टर्स डाल दिए और रोड इतना क्यों छोटा रखा है, तो रोड छोटा नहीं रखा है, ये इंटरनल रोड है, पर रेडी ये अभी हुआ था इसके लिए लोग ये यूज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इस दो सेक्टर को एक्सेस करने के लिए 33 मीटर का रोड बनाया जा रहा है और फिर ऐसे छोटे छोटे इंटरनल बहुत सारे रोड है जिसको वो अटेस्ट होने वाला है। करेक्ट, चलो ग्रेट। इवन जो लिंक रोड जिसे हम कहते हैं उलवे का, मतलब पूरे उलवे के ऊपर एक सर्कल रोड बनाया जाएगा और वो रोड सारे सेक्टर में से पास होने वाला है, तो वो रोड भी जो है ना ये 33 के साथ ही अटैच होने वाला है, तो डेफिनेटली एक अच्छी कनेक्टिविटी सेक्टर 25-24 सेक्टर्स के लोगों को मिलने वाली है, फिर चाहे वो ये 33 मीटर वाला रोड हो, फिर चाहे वो हाईवे की तरफ से अगर हम आते हैं और सीधा आगे जाके वो सबवे से हम लोग राइट लेते तो सीधा सेक्टर 25 हम उतर रहे वहां पे देख सकते हैं, जा सकते हैं, दिखेगा। चलो अभी दिखाता हूं मैं आपको, चलो कोशिश करेंगे वो जो लोकेशन है ना जहाँ पे हमको एग्जिट मिलने वाला है वो दिखाने के, और साथ ही साथ हम जाने वाले हैं प्राइम गिरिजा होम्स। अच्छा चलो तब तक आप मुझे बता दीजिए इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस है। इसमें 1 BHK है, 1 R के टेरेस है। ओके, 1 BHK अराउंड 625 का एरिया है। ओके, जो आपको 35 lakhs ऑल इंक्लूसिव पड़ेगा। अच्छा, और 1 R के टेरेस विल बी 29 lakhs। अच्छा, 29 लाख रुपए का 1 R के टेरेस है। यस, और 35 लाख रुपीस का
1 BHK है। 1 BHK इसमें आपका डेवलपमेंट चार्ज आ गया, सोसाइटी फॉर्मेशन आ गया, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST एंड लीगल डॉक्यूमेंट फीस आ गया। अच्छा, मतलब ये पैकेज प्राइस है। पैकेज कंप्लीट पैकेज है, नो हिडन कॉस्ट। अच्छा, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे किया, मतलब क्या कभी लिया था ये? जब हम प्राइम विला बना रहे थे और कृष्णा कुंज जब हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस टाइम पे ही वन ऑफ माय फ्रेंड वो अप्रोच किए कि मेरा भी प्लॉट है, आप बना दो। तो वी डिसाइडेड कि ये स्टार्ट करते हैं। तो ये 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट इसका पोजीशन डेट जो है एज पर रेरा वो आने वाले मार्च में है। ओके, बट टाइमली पोजीशन के पहले ही एक्चुअली हो चुका है। मतलब जो टारगेट टाइम था उससे पहले ही रेडी हो गया। हाँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, जब फर्स्ट स्लैब गिरा था तब शायद से मैंने देखा था ये प्रोजेक्ट। हाँ, और कुछ काम से मैं आपसे मिलने आया था, तभी इसी साइट पे मैंने आपने बुलाया था मुझे। हाँ, मेरे ख्याल से ज्यादा पुराना बात नहीं, अभी 1.5 साल पुराना ही बात है। हाँ, ये अपना प्राइम विला आया है यहाँ पे। हाँ, इस तरफ देखो दोस्तों, ये कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट था, प्राइम विला। अभी तो क्या पोजीशन दे दिया, सोसाइटी बना दिया, हैंडओवर भी कर दिया। बढ़िया, प्रोजेक्ट्स कोई भी होता है ना, एक बार स्टार्ट होता है तो उसका एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बंद नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी रहेगा तो आपको डेफिनेटली आपका जो पोजेशन डेट है उसके पहले ही वो रेडी हो जाएगा। बराबर। तो अभी प्राइम गिरिजा होम्स पे जहाँ पे हम जा रहे हैं उसका पूरा काम हो चुका है? उसका 99.99% काम हो चुका है, बस हम वेट कर रहे हैं उसी के लिए। अच्छा, मुझे लगता है ये कमिंग एक मंथ में ही मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो अभी वो जो एग्जिट्स वाला सर्वे वहाँ पे हम जा रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली, मैं आपको बता देता हूँ एंट्री कहाँ पे होएगा, सेक्टर 25A के लिए। ओके। ये और एक है कृष्णा कुंज। अच्छा, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है? कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। ओके, इसमें भी सारा सोल्ड आउट है कृष्णा कुंज? Yes, कंप्लीट सोल्ड आउट है इसमें। ओके, बहुत बड़ा हो गया उल्वे, अभी पहले ऐसा लगता नहीं था। यस, वन ऑफ द बेस्ट सिटी है न्यू ओमेगा। यस, बहुत अच्छे से प्रॉपरली प्लान्ड है, हर एक सेक्टर में आपको स्कूल, गार्डन, टेंपल, प्लेग्राउंड, ये सारी फैसिलिटीज सिटको ने दी हुई है। इवन स्कूल्स, कॉलेजेस भी काफी सारे आ रहे हैं। ये आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना, यहाँ पे काम, ये एंट्री एग्जिट जो है वो साल भर में ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो ये डायरेक्टली हाईवे से कनेक्टेड है। हाँ, तो मतलब अगर उल्वे आना है या फिर उल्वे से बाहर जाना है, हाँ, तो सीधा हाईवे से यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से सीधा बाहर जा सकते। यस, एग्जैक्टली, एक शॉर्टकट आप मान सकते हो उसको। चलो, काम तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट। हाँ, जो बेस लेवल का काम है वो हो चुका है, साल भर में ये भी रेडी हो जाएगा। चलो, बढ़िया बढ़िया। ये हम 20 मीटर रोड पे आया, सेक्टर 25A में। अच्छा, डायरेक्टली हाईवे पे ये रोड ये कनेक्ट होने वाला है, 20 मीटर बड़ा रोड है। और यहाँ पे अभी ये 20x20 का ये है कॉर्नर है। अच्छा, ये जो 20 मीटर है डायरेक्टली क्रॉस होगा सेक्टर 17-18 को क्रॉस होते हुए डायरेक्टली सेक्टर 10 जाएगा। अच्छा, जहाँ पे अपना सीलिंग टच हो रहा है। ओके, करेक्ट। और यहाँ से अपना जो प्राइम गिरिजा होम्स है वो तीसरा प्रोजेक्ट है यहाँ से, ये रोड से। अच्छा, तो मतलब ज्यादा अंदर नहीं है। हाँ, ये रोड से अगर आप गिनेंगे एक दो, डायरेक्टली ये प्राइम गिरिजा होम्स आ जाता है। ये तो पूरा कलर वलर करके रेडी करके रखा है आपने, ब्रांडिंग भी डाल दी, नाम वाम भी डाल दी। यस, चलो बढ़िया, आइए दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये है प्रोजेक्ट, ये है प्राइम गिरिजा होम्स। ये ऑलमोस्ट अभी रेडी पे है। ओके, विद इन अ मंथ इसका ओसी आ जाएगा। इन्वेंटरी है ना लेकिन? हाँ, इसमें है। आप वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, ये ट्राई जंक्शन है। अच्छा, और इसका मुझे अच्छा लगा लेकिन लोकेशन ना, ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, और जो 20 मीटर का जो मेन रोड है वो यहाँ पे आता है। हाँ, ये बड़ा रोड है ना, इसको हार्डली, ये थर्ड प्लॉट है फ्रॉम द मेन रोड से। और इसमें अच्छा किया आप, हाँ, प्राइम गिरिजा होम्स इसमें, आइए बताता हूँ। चलिए, बहुत जल्दी काम किया लेकिन ना, बहुत फास्ट काम किया। इसमें आपको एम्पल कार स्पेस मिलेगा पार्किंग के लिए, स्पेशियस है, 7 से 8 गाड़ी आराम से पार्किंग मिलेगा।
कितने कितने मीटर का प्लॉट था ये? 280 मीटर का प्लॉट है। अच्छा 280 मीटर। और कितने टोटल यूनिट्स बैठे थे? यूनिट है इसमें 13। 13 यूनिट। 13 के सामने 7 से 8 गाड़ी का पार्किंग आराम से डेफिनेटली मिलता है। करेक्ट। ये पार्किंग के नंबर वगैरह डाले हुए है, जाड वगैरह लगाया है। ये यूजी टैंक है, एक यूजी होगा एक ओवरहेड टैंक होगा। ओके आइए सैंपल फ्लैट देखते। चलो चलो चलते। लिफ्ट का कितना हुआ है? प्रोसेस में है अभी। अच्छा। 90% हुआ है काम। ये लॉबी रहेगा। ओके। तो उसी आने के बाद इंटरनल फिर से एक बार कलर करने वाले? डेफिनेटली अभी तक कलर हुआ ही नहीं है। अरे व्हाइट वॉश है ना सिर्फ? यस ओनली व्हाइट वॉश हुआ है। ओके कहीं पे भी कलर हुआ है? चलो थोड़ा सा है ना फिर से आपको मैं फ्लैट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली जो हमारे व्यूअर्स है ना उनको आदत लग चुकी है किस तरीके से फ्लैट देखना, तो हमारा थोड़े सिस्टम फिक्स होते हैं, तो वैसे पूरा एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंच विंडो दिया हुआ है सामने की तरफ, बाहर एपी एरिया आता है। रेलिंग हम बाद में लगाएंगे। yes, बाहर की तरफ रेलिंग आएगा, ऐसा कुछ हमारा लिविंग रूम होने वाला है। लाइट आपको इंस्टॉल करके नहीं मिलेंगे, लाइट देने वाले हो? लाइट आने वाली नहीं है। साथ में ये जो यहाँ पे पॉट्स रखे ये भी आने वाले नहीं, ये तो जस्ट शो पर्पस के लिए यहाँ पे रखे। लेकिन अच्छी बात क्या है तो इंडिविजुअल यहाँ पे है ना इस तरफ शावर एरिया दिया हुआ है। अब तो बीम लेवल तक इसमें टाइल्स यूज की गई है, और जैसा इनका पैटर्न होता है कि एक तरफ की वॉल जो होती है ना आपकी वो डिजाइनर यूज करते हैं, तो वैसा भी इन्होंने यूज किया हुआ है। इस तरफ जो है ना हमारा WC आता है, इसमें भी आपका बीम लेवल तक जो है ना टाइल्स प्रोवाइड किया हुआ है। और इस पैसेज के सामने की तरफ यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है किचन। अगेन बताना चाहूंगा प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरफ भी बीम लेवल तक जो है ना टाइल्स प्रोवाइड की है। फायदा ये होता है कुकिंग वगैरह करते हैं तो जो धुआं उठता है या फिर कुकिंग की वजह से जो स्टिकीनेस आता है ना तो वॉल को कलर करना पड़ता है, पर टाइल्स देने से ना आप सीधा वॉश कर दो तो किचन आपका हमेशा ही है ना फ्रेश लगने वाला है। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आने वाला है और बाहर की तरफ एपी एरिया, एयर वेंटिलेशन अच्छा है। yes. और इस तरफ आता है हमारा फाइनली बेडरूम। तो बेडरूम के बाहर भी हमें छोटा एक स्पेस हम कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं, वो जो है ना अवेलेबल हो जाता है। रेलिंग जो है ना बाद में यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दी जाएगी। तो ऐसा कुछ जो है ना 1BHK का कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है। अभी इसमें 1BHK और 1RK दोनों अवेलेबल, 1RK टेरेस। तो प्राइसिंग अगर हम देखें तो इसका कितना जा रहा है पूरा पैकेज प्राइस? 1BHK का पैकेज आएगा 35 लाख, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें आपका डेवलपमेंट चार्ज आ गया, सोसाइटी फॉर्मेशन आ गया, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST एंड लीगल फीस। अच्छा ये सब कुछ आ गया है इसमें। अच्छा और 1RK टेरेस का? 1RK टेरेस का जाएगा 29 लाख, 29 लाख रुपए में 1RK। वो भी पैकेज है, वो भी पैकेज। और OC कितने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? विद इन अ मंथ OC आ जाएगा। विद इन अ मंथ OC। चलो बढ़िया। देखो यार दोस्तों ऐसा है कि ये वीडियो अचानक से प्लान हुआ है, वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कुछ डिसाइडेड नहीं था। पीयूष भाई तो मुझे मना ही कर रहे थे ये फ्लैट दिखाने के लिए, मेरा मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये है 1RK टेरेस। तो दिखाने के कंडीशन में नहीं है बिकॉज कैसा है OC के लिए वेट कर रहे तो थोड़ा डस्ट वस्ट आता है, उतना मेंटेन हो नहीं पाता है, और छोटा मोटा काम जानबूझ के रखा जाता है बिकॉज जब पजेशन का टाइम आए तब पूरा काम करके फिनिशिंग फाइनल करके दिया जाए। तो ये लिविंग रूम है, जैसा कॉन्सेप्ट वहां पे हमने देखा था ना 1BHK में वैसा ही है। इस तरफ WC, इस तरफ आपका शावर एरिया, सामने की तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो किचन, किचन के बाहर भी एरिया, और ये है फाइनली हमारा ऐसा दिखने वाला टेरेस। तो ये टेरेस जो होता है ना आपके अग्रीमेंट में लिख के आता है, करेक्ट? यस। और बकायदा ये आपका खुद का प्राइवेट टेरेस होगा, जो ये 1RK और ये जो टेरेस वाला पोर्शन है वो आपको एग्रीमेंट में लिख के आएगा, और ये सिर्फ आपके और आपके यूज के लिए आएगा, इसमें सोसाइटी का कोई कंसर्न नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्होंने और एक एडिशनल टेरेस निकाला है, मतलब 4th फ्लोर के ऊपर जो सोसाइटी का कॉमन टेरेस आएगा वो तो होगा ही, उसके साथ और एक नीचे एक्स्ट्रा टेरेस भी है। हालांकि ऐसा है ना बहुत रेयर देखने मिलता है। अभी यहाँ पे हम आते थे तो नीचे के फ्लोर पे क्या हुआ था, 4 फ्लैट थे, लेकिन यहाँ पे हम आते हैं तो फ्लैट 3 ही है, और एक फ्लैट का जो है ना यहाँ पे ऐसा पूरा ओपन टेरेस छोड़ा गया है। ये होगा सोसाइटी का कॉमन टेरेस, और इसके अलावा ऊपर की तरफ भी होगा। तो सोसाइटी का कुछ फंक्शन है, गेट टुगेदर है, या फिर सोसाइटी मेंबर्स के कुछ पार्टीज है, गेट टुगेदर है, तो उसके लिए ये टेरेस यूटिलाइज हो सकता है, सोसाइटी के सारे मेंबर्स कर सकते हैं। लेकिन आपके फ्लैट के साथ जो टेरेस लिख के आएगा वो सिर्फ आपके यूज के लिए होगा, और उसका प्राइस है
35 लाख है वन बीएचके का और वन आरके टेरेस का 29 लाख का। अभी आप बताइए लोन का क्या है, कितना लोन होगा, कहाँ कहाँ से लोन? ऑलरेडी मैंने ईपीएफ निकाला हुआ है एक्सिस बैंक से। अच्छा, बाकी अगर क्लाइंट को दूसरे बैंक से अप्रोच करना है तो वेलकम, कहीं से भी हो सकता, कहीं से भी लोन हो जाएगा। ठीक है, रेरा नंबर वगैरह? हाँ, वो सब रेरा अप्रूव्ड है। और दोस्तों ऐसा है, ये वीडियो मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत अनप्लान था, हम तो किसी रीजन से मिले और फिर बात करते करते सब्जेक्ट निकला, तो मैं बोला चलो साइट पे जाते, मुझे भी साइट देखनी थी। आपको डायरेक्ट है ना प्राइम बिल्डर्स का, डेवलपर्स का, इनका स्क्रीन पे नंबर पॉपअप हो रहा है, कुछ भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है साइट विजिट करने तो उस पर कॉल करो, साइट विजिट करो, समझ में आता है तो बुक करो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अचानक से की हुई मेहनत आपको समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, ऐसे वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको आए इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाना, और सच में वीडियो अच्छा लगा तो जय हिंद लिख लेना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।